नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आज 12 जून 2020 को 40वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग अभी संपन्न हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसमें कुछ 5 जो है रिकमेंडेशंस किए गए जीएसटी काउंसिल के द्वारा। सबसे पहला तो जो पुराने जो भी कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज पेंडिंग थे, 3B फाइल नहीं हुई थी जिन टैक्स पेयर्स की, जुलाई 17 से जनवरी 20 तक के लिए एक वन टाइम फैसिलिटी दी गई है टू क्लीन अप दी प्रीवियस नॉन कंप्लायंसेस। उन्होंने कहा कि अगर आपकी जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की कोई भी रिटर्न पेंडिंग है, 3B पेंडिंग है, तो अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता, आपने कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया, तो आप बिना किसी लेट फी के अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो मैक्सिमम ₹500 की कैपिंग बांध दी गई है कि आपके अगर पिछले 10 महीने की रिटर्न पेंडिंग है तो आपके ऊपर मैक्सिमम ₹5,000 की लेट फी लगेगी। अदरवाइज अगर वो आप 47 सेक्शन 47 के अनुसार कैलकुलेट करते हैं तो दैट कुड बी इवन ₹50,000 ऑल्सो, क्योंकि ₹200 प्रतिदिन की फी है। लेकिन ये आप 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस रिलीज में लिखा है कि द रिड्यूस रेट और वेव्ड रेट ऑफ लेट फी शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st जुलाई 2020 टू 30th सितंबर 2020। सो नेक्स्ट जो 2 रिकमेंडेशंस है वो जीएसटी काउंसिल के उन टैक्स पेयर्स के लिए हैं जिनकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, अप टू 5 करोड़ है। 5 करोड़ से नीचे पहले वालों के लिए फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 20 की रिटर्न जो है उसकी स्टैगर्ड डेट जो है वो 6 जुलाई 2020 है, 3B की रिटर्न, नो लेट फी नो इंटरेस्ट, अगर 6 जुलाई 2020 तक आप फाइल कर देते हैं। अब उन्होंने रिकमेंडेशन में अपने लिखा है, हम नोटिफिकेशन देखेंगे एक्चुअली क्या आती है। रिकमेंडेशन में उन्होंने लिखा है कि अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल की रिटर्न जिनकी भी अप टू 5 करोड़ रुपए की टर्नओवर है वो 6 जुलाई तक फाइल नहीं होती लेकिन 30 सितंबर तक फाइल होती है, तो ब्याज जो है 18% की जगह 9% लगेगा, लेकिन लेट फी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अभी ऐसा नजर आता है इस प्रेस रिलीज से कि अगर आप 6 जुलाई के बाद अपनी 3B फाइल करते हैं फेब, मार्च, अप्रैल की, तो ब्याज तो 9% लगेगा लेकिन लेट फी पूरी लगेगी। नोटिफिकेशन में देखेंगे कि नोटिफिकेशन में एक्चुअली पेंडोरास बॉक्स खुलकर क्या नजर आता है। दूसरा, अप टू 5 करोड़ के लिए अगर एक स्मॉल टैक्स पेयर के लिए फिर से एक और रिलीफ है। मैं आपको बताना चाहूंगा व्यूअर्स को दोस्तों यहां पर कि 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। फेब मार्च अप्रैल मई तक की 3B फाइल करने की लास्ट डेट उनकी 24 जून है बिना लेट फी की और 9% ब्याज की। उसके बाद कोई रिलीफ इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आज नहीं दिया गया है। अगला 5 करोड़ रुपए तक के लिए मई, जून, जुलाई 2020 की जो रिटर्ने हैं उनकी लास्ट डेट बिना लेट फी, यहां पर उन्होंने लेट फी लिखा है कि लेट फी नहीं लगेगी, ब्याज नहीं लगेगा, 30 सितंबर तक अगर फाइल कर दें। फेब, मार्च, अप्रैल के लिए ब्याज तो बोला है 9% लेकिन लेट फी के बारे में नहीं बताया, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में लेट फी लगेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक अगर आप अपनी मई, जून, जुलाई की रिटर्न फाइल कर देते हैं तो लेट फी और ब्याज दोनों ही आप पर नहीं लगेगा आपकी अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कोई भी रिलीफ इस प्रेस रिलीज में जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड नहीं किया। उसके बाद एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है, अगर आपका GSTIN कैंसिल हो गया है और 12 जून तक कैंसिल हो गया और आप रेवोकेशन फॉर कैंसिलेशन फाइल नहीं कर पाए हैं, तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप 30 सितंबर तक वो रेवोकेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और अपना GSTIN रीएक्टिवेट करा सकते हैं। दोस्तों, पांचवा मेजर जो यहां पर रिकमेंडेशन है, फाइनेंस एक्ट 2020 के कुछ प्रोविजंस अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। जी हां, फाइनेंस एक्ट 2020 के कुछ प्रोविजंस अभी भी एप्लीकेबल नहीं है, उनकी इफेक्टिव डेट जो भी एप्लीकेबल नहीं है 30 जून 2020 बताई गई है इस प्रेस रिलीज में। इन सब बातों के लिए सेपरेट नोटिफिकेशंस निकाली जाएंगी और जहां भी क्लेरिफिकेशन की जरूरत होगी सर्कुलर निकाले जाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।